हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने फ़ोन में जो है फिंगरप्रिंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, यानी कैसे हटा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ है रियलमी का फ़ोन है। आप देख रहे हैं, आपको इस तरीके का आइकन जो है देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ ऊपर स्क्रॉल करना है और बहुत सारे और ऑप्शन दिख जाएंगे आपको। इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके का आइकन आपको दिख रहा है। आप देख रहे हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपको ऐप के आइकन दिख जाएंगे। आपको जाने सेटिंग के आइकन पर, सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। इस तरीके का आपको आइकन जो है यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आपको फिंगरप्रिंट को जो है हटाना है यानी रिमूव करना है, तो आपको पासवर्ड और बायोमेट्रिक्स के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। आपको जाना होगा फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पे, यहाँ पर दिख जाएगा। फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले एंटर लॉक स्क्रीन पासवर्ड, जो भी आपका स्क्रीन लॉक है वो डालेंगे। स्क्रीन लॉक को डालने के बाद जो है आपको इस तरीके का ऑप्शन दिख जाएगा, फिंगरप्रिंट वन, यानी एक फिंगरप्रिंट लगा हुआ है किसी का आपके फ़ोन में। अगर उसे डिलीट करना है तो डिलीट करेंगे, और डिलीट फिंगरप्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ डिलीट का ऑप्शन है तो यहाँ क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट रिमूव यानी डिलीट हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।